नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो जो हमारा 21 डे चैलेंज चल रहा है वो। साथ में कई स्टूडेंट्स कैसे आए कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, आपकी वीडियो देखने के बाद मैं गया पूरे दिन पढ़े 5 घंटे मैंने सेल्फ स्टडी कर ली, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से जो प्रोडक्टिव है वो 4 घंटे 3 घंटे होने लग गया, क्या करूं सर ऐसा कुछ टाइम मैनेजमेंट बताइए। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं इसी के बारे में बात करूंगा, और ये वीडियो शुरू से एंड तक देख ली समझ ली आपने तो मैं गारंटी देता हूं पूरी जिंदगी भर का ही आपका टाइम टेबल है, और ये मैं वादा करता हूं अगर आप इसे समझ गए तो। और साथ में मैं आपको बता दूं जो हमारा अर्न डिजिटल मार्केटिंग जैसे यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स के बारे में बताया गया है, ब्लॉगिंग के कोर्स के बारे में बताया गया है आपको, और साथ में स्टार्टअप का कोर्स भी उसमें ऐड है, तो उस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है मंथ के लास्ट सेल पे। तो जल्दी से कॉल करिए, अपनी सीट बुक करिए। बहुत से स्टूडेंट ने इस कोर्स को ज्वाइन करके बहुत सारे बेनिफिट्स और लाखों से भी ज्यादा सब्सक्राइबर लोगों के हो चुके हैं। मैं वीडियो शेयर करके आपको बताऊंगा कम्युनिटी टैब में वी मेक ग्रेट चैनल पे। तो जल्दी से कॉल करके दिए हुए नंबर पे अपनी लाइक सीट्स बुक करिए और जल्दी से ज्वाइन करिए, 50% ऑफ है एट द मंथ ऑफ लास्ट वीक। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं मैं आप सब से कि यू नो टाइम टेबल का मतलब क्या होता है। एक बच्चा जाता है नोटबुक में टाइम टेबल बनाई कि भाई सुबह 7 बजे से 9 बजे तक ये पढ़ना है अगर स्कूल ऑफ है तो, फिर 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक ये कर लूँगा, ऐसे करके टाइम टेबल बन जाता है करीबन दिन भर में, और नाइट में पढ़ के 11 घंटे का 10 घंटे का एकदम सीना चौड़ा होगा, यस अब तो देख मैं आग लगा दूंगा, 11 घंटे अगर मैंने पढ़ दिए ना भाई तो झंडे गाड़ दूंगा, ऐसी बात आती। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इससे ज़्यादा की पढ़ाई की नहीं है, ये रियलिटी है। देखो मैं स्टूडेंट हूँ ना दोस्त, मैंने अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंपटीशन हो ना अब तक टाइम टेबल बनाने में, तो मेरे से ज़्यादा टाइम टेबल अपनी लाइफ का किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे फादर हमेशा मुझे एक टाइम टेबल बना, और मैं टाइम टेबल बनाने मतलब वो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि हर 3 दिन बाद टाइम टेबल, और मुझे लगता है इसी वजह से मैं एक टीचर बन पाया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मैंने सीख ली कि किन चीज़ों को प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ मेरे लिए प्रायोरिटी है तो मैं उसको काम करता हूँ, किसी और के लिए प्रायोरिटी है वो काम मेरे लिए चलो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, ऐसा होता है मेरे लिए। इसीलिए सबसे पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। अब देखिए मैंने जो पहले आपसे बात कही कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि पूरी लाइफ का टाइम टेबल बन जाएगा। क्यों? आपको बताता हूँ। आप कुछ ऐसा समझिए कि हमारी लाइफ में जो मंथ होता है उसमें 30 डेज होते हैं, कई लोग मंथ का टाइम टेबल बनाते हैं, नहीं हमेशा वीक का टाइम टेबल बनाइए जो कि 7 डे है। देखिए मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, एक दिन चाहे आप संडे ऑफ रख सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई। संडे के बाद फिर से क्या आता है? मंडे। तो आपको सिर्फ 7 डे का टाइम टेबल बनाना है। अब तक मैं न्यू वीडियो बना रहा हूं, आज तक ये वर्ड आपको मिलेगा नहीं कि 7 डे का टाइम टेबल बनाइए पूरी लाइफ का टाइम टेबल बन जाएगा, सिर्फ 7 डे। एक दिन संडे अपने आप के लिए ऑफ रखिए। अब कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूं। आप अपने टाइम में 3 चीजों की प्रायोरिटी दीजिए, 3 P जो है ना आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, Priority 1, Priority 2, Priority 3। पहला P1 जो होना चाहिए वो आपके ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आप ज्यादा वीक है, जैसे मैथ्स हो सकता है, कई बच्चों का इंग्लिश हो सकता है, कई बच्चों का साइंस सब्जेक्ट हो सकता है, इसकी Priority 1 में रखिए। सेकंड प्रायोरिटी में वो सब्जेक्ट रखिए जो आपके इंटरेस्ट में है, मतलब उसको एक दिन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा, इसका मतलब हो गया अल्टरनेट डे। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो TTS MWF ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे और MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इन 3 सेगमेंट में आप बांट सकते हैं कि भैया अगर TTS में हमने फेवरेट सब्जेक्ट को दिया है अगर एक दिन नहीं भी पढ़े तो चलेगा, उसके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे क्योंकि 2-2 घंटे आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। एंड जो थर्ड पी है, जो तीसरे पी की मैं बात कर रहा हूं, उसे आप कब देंगे? अल्टरनेट। मान लीजिए अगर आपने TTS में फेवरेट सब्जेक्ट को दिया तो MWF में आप P3 को देंगे। P3 में वो सब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे जनरल नॉलेज हो गया, जैसे आपका इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स हो गए, मैथ्स के फॉर्मूले हो सकते हैं, उसी बीच में आप कुछ मोटिवेशनल बुक्स। कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि यार इतना कुछ करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं कि द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा ये कहते थे मेरे दोस्त कि मुझे अगर एक भी मिनट मिलता है ना तो मैं बुक लेके चलता हूं। आप समझिए जो एक जुझारू स्टूडेंट हो सकता है, जो एक महान योद्धा है, योद्धा हमेशा अपने साथ एक कवच तलवार लेके चलता है, सिर्फ सोते वक्त ही वो उसे खोल के साइड में रखता है, हमेशा अपने साथ वो तलवार रखता है। इसलिए अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट मानते हैं अपने साथ तो अपने साथ एक बुक जरूर रखिए, बुक हमेशा इंपॉर्टेंट है। डजेंट मैटर कि वो मोटिवेशनल बुक हो, टेक्स्ट बुक हो, या कोई जनरल नॉलेज की बुक हो, बुक आपके साथ होनी चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं, मान लीजिए कहीं ट्रैवल में गए, आपको लगता है अरे यार वहां तो समय ही नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं ना मिले आपके वो बैग में रखा रहे चलेगा, एटलीस्ट वो फर्स्ट एड बॉक्स की तरह काम तो करेगा। जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में ट्रैवल करते हैं, अपनी कार में ट्रैवल करते हैं, इनफैक्ट बाइक में भी ट्रैवल करते हैं, तो एक फर्स्ट एड बॉक्स होती है उसमें।
वो फर्स्ट एड बॉक्स ये थोड़ी बता दी कि भाई आपका एक्सीडेंट होने ही वाला है, वो आपके सपोर्ट के लिए है। तो ये समझिए कि जो आपकी बुक है वो फर्स्ट एड बॉक्स है, आपके साथ हमेशा आपके बैग में चल रही है। कहीं भी आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिले ना दोस्त, तो उसको जरूर पढ़िए। महान वैज्ञानिक हमेशा, ये जो मैंने कई बुक्स पढ़ी हैं, मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी सब कुछ करने के बाद, उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, खुद से जाते थे एक नई सिटी ट्रेन से ट्रैवल करके, पैदल चल के, और जब भी उनको 5 मिनट का समय मिलता था बकरियां चराने लगते थे। जीवन से हट के कुछ काम जरूर करिए। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता, क्या बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम्स है मेरी लाइफ में, लाइक यू नो घर की प्रॉब्लम्स होती है, पिताजी की सैलरी अच्छी नहीं है, या घर में लाइक घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में शांत माहौल नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। तो मैं बता दूँ, इस दुनिया में कोई भी इंसान, अरे इंसान छोड़िए, भगवान, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, हजरत मोहम्मद हो, महावीर स्वामी हो, गुरु नानक देव हो, गौतम बुद्ध हो, जितने भी आप भगवान का भी नाम ले ले मेरे दोस्त, तो मैं आपसे एक बात ही कहूंगा कि हर एक की लाइफ में चैलेंजेस हुए। और आपको मैं एक चैलेंज और देता हूं कि आप ढूंढ के दिखाइए कि इस दुनिया में कौन सा इंसान या कौन सा ऐसा भगवान था जिसकी लाइफ में चैलेंज नहीं थे। हर एक की लाइफ में चैलेंज है। तो आप ये मत सोचिए कि आप यूनिक हैं, आपको कुछ अलग बना दिया गया, सबसे अलग हटा दिया गया। सबकी लाइफ में चैलेंज है, मेरे लाइफ में चैलेंज हो सकता है, मेरे पास अभी 10 काम होंगे इस वीडियो बनाने के बाद, मुझे वो सारे काम करने हैं। सब कुछ है मेरे जीवन में, मैं लाइक ऑनलाइन अर्निंग पर ट्रेनिंग सेंटर देता हूं बच्चों को, वो पढ़ाता हूं, उस पर वीडियोज बनाता हूं, वहां लाइक मेरे वर्कशॉप होते हैं दिल्ली में, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखते होंगे, तो ये सारी चीजें मैं कवर करता हूं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी ऑडियो बुक सुनने को मिले, बुक आप लेके साथ जा रहे हैं, कभी बुक लेके नहीं गए, तो YouTube पे हर जगह ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे ऑडियो बुक मिलती है, वहां से आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। YouTube पे कई बुक्स की, जैसे कि द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके ऑडियो बुक सुन के तो देखिए एक बार, इन सब की ऑडियो बुक सुन सकते हैं आप, ऑडियो ई बुक पढ़ सकते हैं आप, सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं। और साथ में जो मोटिवेशनल कोर्स आज से पहले मैं पढ़ा करता था, अगर आप चाहते हैं सुनना, मैं आपको बताऊं तो ये भी कभी खाली टाइम में सुनिए, तो अभी मैं प्ले करवाता हूं आपको, और ये आपको TikTok पे मिलेगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, महात्मा जी टेक 1 करके आप सर्च करेंगे, अभी बहुत लेस फॉलोअर हैं, आप ही लोग जाइए, एक और अकाउंट था मेरा, वो उस पर 300-400 फॉलोअर थे, वो मैंने हटा दिया है, फिलहाल महात्मा जी टेक करके है, तो जाइए उसको फॉलो करिए, वहां पर रेगुलर मोटिवेशनल कोर्स मैं आप सबके लिए अपलोड करता हूं, जो बहुत रिलैक्स मिलता है सुनने के बाद। कहते हैं कि हौसले की तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता, कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा होने की एक एहसास दिलाने के लिए, मगर जंगल में सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। तो दोस्तों सुना आपने, ये सब सुनने के बाद जब हेडफोन लगा के सुनते हैं तो लगता है कि लाइफ में कितना कुछ चैलेंज है जो हम कर सकते हैं। वो चैलेंज आपने ने एक बात कही थी कि मैं बारिश में टहलना पसंद करता हूं ताकि ये दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। तो समस्या हर एक के साथ है, इन सबसे जूझना पड़ेगा आपको। चार्ली चैपलिन को दुनिया का कॉमेडियंस सब कुछ एक आइकॉनिक है, फिर भी वो कहता है कि मैं रोता हूं क्योंकि दुनिया मेरे आंसू ना देख सके। मतलब समस्या हर एक के साथ है, समझिए इस चीज को। पढ़ाई में आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन करेगा? आज मान लीजिए आपकी उम्र 17 साल है, कोई छोटे मोटे चैलेंजेस की वजह से, मेरे को देख लीजिए, मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई। उस टाइम मेरे दोस्त यार मुझे चढ़ाते थे जब मैं गली में घूमता था कि यार देखिए इसकी शादी हो गई। उस टाइम मैं अगर यही सोचता कि अरे यार मैं जिंदगी भर यही कहता रहूंगा क्या, जब मैं 50 साल की उम्र में हो जाऊंगा तो मैं यही घोषता रहूंगा कि अरे यार मेरी तो 17 की उम्र में शादी हो गई थी, इस वजह से मैं तरक्की नहीं कर पाया। सब बोलेंगे फुद्दू है क्या, दाढ़ी पक गई तेरी और इतने साल तूने फालतू में यही बात कहकर गवा दिया। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं। बचपन में सबके पिताजी डांटते थे और मुझे लगता है उस टाइम आपको बहुत गुस्सा आता था अपने पापा पे, मुझे भी गुस्सा आता था अपने टाइम पे, लेकिन आज फील तो होता है कि थैंक गॉड उस गुस्से की वजह से कुछ ठीक तो है। आज बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो समय के साथ बदल जाती हैं, तो इसीलिए उन चीजों को मुद्दा बना के पढ़ाई ना करना ही आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है या पिन कमेंट कर दूंगा, हमेशा मैं डालता रहता हूं वहां सारी चीजें कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या फेस करना है, क्या कोर्स, क्या प्रिंसिपल्स, आपको 7 प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करने हैं, वो सब चीजें मैं देता रहता हूं दोस्त। तो ये 21 डे जो चैलेंज है वहां रखिए, उसके बाद मैं आप सब में कई लोगों को गिफ्ट दूंगा, वो कि टेलीग्राम में विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको। तो जाके पहले दो चीज जरूर करनी है उस गिफ्ट के लिए, टिकटॉक पे फॉलो कर लीजिए मोटिवेशनल कोर्स के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जो अपना अर्न डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, जो लास्ट मंथ का वीक है, 50% ऑफ है, कॉल करके अपनी शीट्स बुक करिए। उनमें से भी कई स्टूडेंट्स को, जो आप ये बुक देख रहे हैं मेरे हाथ में भी आ चुकी है, उनको मैं ये कुरियर कर दूंगा एज अ गिफ्ट, तो वो भी वहां देख सकते हैं।
इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे काफी कुछ समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है माइंड पावर के ऊपर आप क्या चाहते हैं वो कमेंट में लिखिए, वो वीडियोस में बनाऊंगा। अगर आप यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या टाइम मैनेजमेंट बनाना स्टूडेंट को चाहिए, यस या नो? उसका रिप्लाई मुझे कमेंट में करिए, और साथ में आप मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और टिकटॉक पर जरूर जुड़िए। बस इस वीडियो को यहीं तक खत्म करूंगा। कैसा लगता है वीडियो कमेंट करके मुझे वो भी बताइए। साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, क्योंकि रेगुलर मैं वीडियोस सिर्फ आपके लिए जान लगा दूंगा लेकिन आपके लिए बेस्ट वीडियो लेके आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।